नमस्कार। देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। करोड़ों की लागत वाली योजनाओं की रखी आधारशिला। हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन कमल के आकार का बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। दोनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में 9000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। पीएम बोले, डबल इंजन की सरकार से हो रहा है उत्तर प्रदेश का विकास। गुजरात की जेल में बंद माफिया तीक अहमद से यूपी एसटीएफ करेगी पूछताछ। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला। पंजाब की तरन तारण जेल में हुई गैंग वॉर में 2 गैंगस्टरों की मौत। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनदीप तूफान और मनमोहन मोना की मौत। गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों से हुई भिड़ंत के बाद पुलिस के जवानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेते नजर आए जवान। भिवानी हत्याकांड मामले में शवों की पहचान। डीएनए रिपोर्ट में खुलासा, दोनों शव नासिर और जुनैद के ही थे। पुलिस ने रिंकू सैनी को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। एक दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के किशनगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। घर में रखा सामान जलकर राख। दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मकान में आग लगने से मचा हड़कंप। घर के अंदर मौजूद एक बच्चे की मौत। आशंका है कि हादसा घर में जलाए गए अलाव की वजह से हुआ था। मुंबई के छत्रपति संभाजी नगर में एक गोदाम में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती कार में कुछ लोगों ने किया स्टंट। पुलिस के मुताबिक कार के नंबर के आधार पर की गई पहचान। जल्द कार्रवाई करने का दिया गया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तेज म्यूजिक चलाकर सड़क पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। अहमदाबाद में एक पेट्रोल पंप पर 3 लुटेरों ने बंदूक के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाला गया। 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बारात में डांस कर रहे एक लड़के की अचानक मौत। डांस करते करते जमीन पर गिरा लड़का। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को दिया अंजाम। फायरिंग में एक दुकानदार जख्मी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के एक्शन में आते ही असलहा छोड़कर भागे बदमाश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में के माला रेंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचा बाघ। गांव वालों में बाघ को देखकर मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम बाघ पर कर रही है निगरानी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक होटल से मारपीट का वीडियो वायरल। होटल के कुछ बाउंसर लोगों पर डंडे से वार करते नजर आए। गाना बजाने को लेकर स्टाफ से लोगों के भिड़ने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में टक्कर के बाद पलटा तेल से भरा टैंकर। हादसे के बाद सड़क पर तेल लूटने के लिए मची होड़। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर की फायरिंग। दोनों पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद की वजह से हुई फायरिंग। उत्तर प्रदेश के महोबा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली की एक शादी बनी चर्चा का विषय। एक पिता ने अपनी बेटी को शादी में दिए करोड़ों रुपए के सोने और चांदी के गहने। चांदी का पलंग और सोफा भी गिफ्ट किया। राजस्थान के धौलपुर में विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। एएसआई पर कुछ महिलाओं ने बरसाई लाठियां।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर फैली केन, शराब लूटने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गड्ढे में गिरी गाय, पानी के पाइपलाइन के लिए खोदा गया था गड्ढा, कड़ी मशक्कत के बाद गाय को रेस्क्यू किया गया। रांची के रिम्स अस्पताल में बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरे में हुआ मरीजों का इलाज, अस्पताल में लिफ्ट न चलने की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दिल्ली में चाय का लुत्फ उठाया, चाणक्यपुरी में सड़क किनारे चाय पीते नजर आए, जर्मन दूतावास ने ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की। उत्तर प्रदेश के आगरा में डेनमार्क के प्रिंस ने ताजमहल की खूबसूरती देखी, डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए प्रशासन ने किए थे खास इंतजाम। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी से ढके पहाड़, कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंचा, मकान की छत और सड़क भी बर्फ से ढकी नजर आई। नासा का स्पेसएक्स क्रू 6 मिशन आज होगा लॉन्च, 4 वैज्ञानिक जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। पाकिस्तान में दवाओं की किल्लत से बड़ी मुसीबत, पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हार्ट कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी संवेदनशील सर्जरी के लिए भी दवा और उपकरणों का 2 हफ्तों से कम का स्टॉक बचा। पाकिस्तान में कच्चे माल की कमी और बढ़ते टैक्स की वजह से उद्योग पर पड़ा असर, पाकिस्तान की टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो रही हैं बंद। ब्रिटेन में फल और सब्जियों की किल्लत से जूझ रहे लोग, सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा महीने भर फल और सब्जियों की होगी कमी। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने से एक बार फिर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग, विपक्षी दलों के प्रदर्शन मार्च का हिस्सा बने, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। रूस ने अमेरिका और नेटो देशों पर बड़ा आरोप लगाया, रूस को तोड़कर कई हिस्सों में बांटने की साजिश का आरोप। नेटो देशों से यूक्रेन को मिल सकते हैं 62 लेपर्ड 2 टैंक समेत कई घातक हथियार, जर्मनी के रक्षा मंत्री ने किया दावा। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच सामने आया ज़ेलेंस्की का सीक्रेट एजेंट, ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की। जापान में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई, भूकंप के बाद सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वेस्ट बैंक में फिर हुई गोलीबारी, फिलिस्तीन के लड़ाकों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की, इसराइल ने दावा किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फीले तूफान से बड़ी मुसीबत, पहाड़ों से घिरी झील बर्फ से जमी, हवाई यातायात पर भी असर पड़ा। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया, -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान, मिशिगन, रेगन और नेवाडा समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फबारी और बारिश से मची तबाही, मिट्टी के कटाव की चपेट में आने से एक बस पानी में समाई। रूस के नवगरोद में बर्फबारी के वजह से 25 गाड़ियों की आपस में टक्कर, हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल। इटली में नाव टूटने से 59 लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा लोगों को लेकर जा रही थी नाव, आयोनियन सागर में हुआ दर्दनाक हादसा।